पर फिर आपका स्वागत है और रुख करते हैं झारखंड की खबर का। झारखंड में झारखंड विकास मोर्चा पार्टी की प्रदेश महिला प्रवक्ता एक हैं, जिन्होंने आरोप लगा दिया है अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार प्रदीप यादव पर आरोप लगाया है छेड़खानी का, और इसको लेकर देवघर में उन्होंने थाने में मामला दर्ज करा दिया है। अब प्रदीप यादव की उम्मीदवारी को लेकर संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि आरोप ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने महिला प्रवक्ता के साथ छेड़छाड़ की है। इस वजह से अब विपक्ष जो है, विरोधी जो है, वो उनके निशाने पर हैं और वो कह रहे हैं कि उम्मीदवारी उनकी फौरन रद्द कर दी जाए। सडनली जब यहाँ आई देवघर, तो मुझे कहा गया कि आप होटल के एक रूम में वेट करिए, सर आ रहे हैं, प्रदीप जी आ रहे हैं। तो मैं रूम में जाके वेट की, उसके बाद फिर हुआ कि मैं सब गलत करने की कोशिश की। इसी के लिए मैं आज रांची से चल के आके मैं यहाँ पे महिला थाने में आवेदन दी हूँ। और इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा है वो सुनते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष रूप से हम लोग जांच कराएंगे। एक एक बिंदु पर हम लोग अनुसंधान इसमें कराई जाएगी। इसमें हम लोग साइंटिफिक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फॉरेंसिक टीम्स की भी हम लोग मदद लेंगे, और जो तथ्य आएगा वो आप लोगों के सामने आएगा। गुड्डा लोकसभा क्षेत्र से झारखंड विकास मोर्चा के उम्मीदवार और इस छेड़छाड़ मामले के आरोपी प्रदीप यादव ने जी बिहार झारखंड से बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है वो जरा सुनिए। हमारे साथ गुड्डा से जेवीएम के उम्मीदवार प्रदीप यादव जी हैं। प्रदीप यादव जी, जो आरोप आप पे लगा है क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को यह पता चल गया है कि इस बार उनकी नैया बीच मझधार में डूबने वाली है। चुनाव वो हार रहे हैं तो उनके पास कोई उपाय नहीं बचाती है। अंतिम हथकंडे के रूप में एक षड्यंत्र के तहत इस घटना को सामने लाया है, और ये स्पष्ट है। हमने बिल्कुल जो मुकेश पाठक के जो उनके दाहिना हाथ है, जो पूरे मैनेजमेंट उनका देवघर में देखता है लगातार दुबे जी के साथ, और इस पूरी FIR में अगर देखें, एक एक उनके फोटो वायरल हुए हैं कि वो साथ में थाना जाता है, इंक्वायरी में जाता है, यानी पर्दे के पीछे वो सारा काम कर रहा है ताकि किसी तरह इस हथकंडे के साथ चुनावी नैया को हम पार करा सके। और इसके अलावा कुछ नहीं है, हम तो कहे। और जी मीडिया संवाददाता कामरान जलीली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे कामरान का। कामरान, चूंकि आरोप लग गया है ऐसे समय में जब गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं प्रदीप यादव, कितना असर पड़ सकता है इन आरोपों का? और प्रदीप यादव कह रहे हैं कि दरअसल ये साजिश है बीजेपी की, लेकिन उनकी पार्टी की प्रवक्ता ने आरोप लगाया है। जी बिल्कुल जिस तरीके से आरोप लग रहा है उसके बाद इसका राजनीतिकरण होना बिल्कुल भी लाजमी है, क्योंकि एक तरफ जहां प्रदीप यादव पर आरोप लगे हैं, हालांकि प्रदीप यादव इस चीज को खंडन कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी से भुनाने की कोशिश करेगी। और जिस तरीके से निशिकांत दुबे का बयान भी आया है, उन्होंने कहा है कि अब तमाम मुद्दों को छोड़कर अब सिर्फ महिला सुरक्षा को लेकर इलाके में बात की जाएगी। तो साफ तौर पर प्रदीप यादव का कहना है कि ये पूरी तरीके से आरोप बेबुनियाद है, और ऐसे टाइम पे आरोप लगना कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की भी कोशिश की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर वोटर्स की बात करें तो जैसी खबरें बटोरी है, उसके बाद वोटर्स के मन में भी बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन इसे बीजेपी किस तरीके से इसे भुनाएगी, और वही जेवीएम या महागठबंधन इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर गोड्डा में अब मुश्किल हो सकती है झारखंड विकास मोर्चा के लिए, क्योंकि पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है, और इसमें अब बीजेपी यह चाहती है कि उनकी उम्मीदवार